नमस्कार आदाब, कैसे आप सब लोग। वेलकम है आपका लाइफ आई लर्निंग ऐप की हयात एकेडमी की केमिस्ट्री क्लासेस में। तो गाइज, हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और प्रीवियस क्लास में हमने अब तक जो सीखा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। गाइज, क्या ले लेते हैं? एक छोटा सा ओवरव्यू। देखो गाइज, सबसे पहली क्लास में मैंने तुम्हें सेलेबस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था गाइज? सेलेबस के बारे में। और मैंने तुम्हें यहाँ जो सेलेबस बताया था वो कंप्लीट 11th में हम जो लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था, राइट? एक एक चैप्टर का कहाँ कितना क्या मतलब है, कहाँ से वो आया है, कहाँ वो जाएगा, राइट? इस तरीके से मैंने तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू दिया था, वही हम लोग पढ़ने वाले थे। उसी की कड़ी में हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ वही आने वाला है जो हम लोग 9th या 10th में सीख के आए हैं मैथमेटिकल पर्पज से, यानी कि वो छोटी छोटी चीजें जो चैप्टर के कहीं कोने में लिखी रहती थी और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनके बिना किसी चीज को कंप्लीट तरीके से समझना इम्पॉसिबल था। यानी कि आप, मैं आपको बोलूं तो उनके बिना उस चीज को आप समझ ही नहीं सकते थे। तो वही चीजों के बारे में मैं आपको बताने आया हूं गाइज, कि यहां मैंने सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था। दूसरे दिन यानी कि ये मेरी फर्स्ट क्लास थी गाइज, और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट में सर आप कौन कौन सी बेसिक चीजों के बारे में बताने वाले हो। तो गाइज, इससे पिछली क्लास में हमने लॉग को सॉल्व किया था और लॉग की सारी वैल्यूज को निकालना सीखा था। बहुत तरह तरह के एग्जांपल्स, तरह तरह की वैरायटी ऑफ लॉग्स मैंने तुम्हें सिखाई थी। इसमें मैंने तुम्हें कुछ रूल्स बताए थे, वापस से लिख देता हूं। लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। और एक चीज मैंने तुम्हें और सिखाई थी कि ये जो लॉग होता है उसके बेस में 10 ऑटोमेटिक छिपा होता है। आप लिखो या ना लिखो, लॉग है तो मतलब बेस में 10 100% है। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर लॉग हमारे पास m बाई n है तो वो होगा इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n के। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर लॉग m की पावर n है तो वो कैसे सोल्व होगा, n लॉग m। दीज आर सम बेसिक रूल्स ऑफ लॉग, एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, लॉग को कैसे सोल्व करते हैं, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, राइट? उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपके पास लॉग 10x इक्वल्स टू 1 है तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये जो पावर है यानी कि ये जो बेस है ये बेस ही रहेगा और जो सामने नंबर लिखा हुआ है ये इसकी पावर बन जाएगा और x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 10 गाइस। ये हमने अब तक लास्ट क्लास में सीखा था। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती होगी। एक ही क्लास में यानी कि पिछली क्लास का एक स्लाइड में मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, राइट? नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, और नेक्स्ट में हमने कल आपको एक चीज और सिखाई थी। उस चीज का जो नाम था वो था सिग्निफिकेंट फिगर। क्या था गाइस उसका नाम? सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि किसी भी चीज को, या मैंने तुम्हें कल एक और तरीका इसका एक नाम और ही बताया था, साइंटिफिक नोटेशन। क्या बताया था गाइस? एक साइंटिफिक नोटेशन, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन की बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों को 10 की पावर में लिखना, 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखने को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, राइट? जैसे कल मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 2000 यानी कि 20000 है तो आप इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे कर सकते हो? आप जो भी नंबर दिया है उसको अलग लिखो, राइट? 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप मल्टीप्लाई में लिखो, और 10 की पावर जितने भी 2 के आगे जीरोज है, जितने भी 2 के आगे जीरोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 10 की पावर 4 में। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 20,000। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 20,000 गाइज। अब ये तो थी सीधी सीधी वैल्यूज, थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं चीजों को, थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं अपन लोग, अब बच्चे नहीं रहे, थोड़ा सा आगे चलते हैं लेके चीजों को। क्या करते हैं? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ट्विंग, थोड़ा सा टिंग करते हैं, थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सा जब ट्विस्ट करते हैं गाइज तो चीजें किस तरह से निकल के हमारे सामने आती है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको दिया 0.02342 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, 0.02342
23432 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? दरअसल तुमसे पूछेगा कोई नहीं, तुमसे इस बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम चीज़ों को करोगे ना, जब तुम क्वेश्चन को सोल्व करोगे या जो तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो तब कैलकुलेशन करते हुए चीज़ तुम्हें दिखेगी गाइज, यानी कि तब तुम्हें दिखेगा कि अच्छा ऐसा होता था। तो ये वहाँ पे आता है गाइज ये, राइट। तो करते सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, राइट, और ये पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या कर देगा, इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे। जैसे ही ये पॉइंट रिमूव होगा तो इस पॉइंट के, यानी कि इस दशमलव, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गाइस पॉइंट, इस पॉइंट को रिमूव करने के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतनी ही नीचे वन के सामने जीरो आ जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 नंबर्स वी विल हैव। तो एक के सामने कितनी जीरो आ जाएगी, 6 0 3 4 5 6। समझ में आती है बात? जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स थे, पॉइंट को हटाओ, उतनी ही जीरो नीचे लगा दो। आगे फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 2 3 4 3 2 अपॉन, ये तो खत्म हो चुका, ये 0.0 तो खत्म हो चुका। नीचे क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। देखो आपने तब एक चीज़ और सीखी होगी, अगर आप एक के आगे जीरो लगाते हो तो 10, 100, 1000 बन जाता है, लेकिन आप अगर एक से पहले जीरो लगाते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो जीरो वहाँ पे बेस्ड है, यानी कि जीरो अगर एक के बाद लग रही है तो मज़ा आ जाता है, बहुत सही रकम बन जाती है, लेकिन अगर वो जीरो एक से पहले लग जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि ये जीरो यहाँ पे किसी काम की नहीं है, इसकी वैल्यू एक के बराबर ही है, चाहे यहाँ तो 3 जीरो लगा ले चाहे यहाँ 1 जीरो लगा ले, है सब किसके बराबर, एक के बराबर ही है सब कुछ, राइट है। पर एक के आगे जब जीरो बढ़ती है तो मजा आता है, तो ऐसा लगता है हाँ मजा ही आ गया भाई, राइट। तो गाइज ये जीरो तो किसी मतलब की है ही नहीं, इसको तो आप लिखो ना लिखो, मैंने क्या किया, ये तो किसी मतलब की है ही नहीं, इसको क्या लिख सकते, 2 3 4 3 2 इंटू, जीरो को मैंने हटा दिया, जीरो को भी मतलब नहीं, आगे चल रहे है। 10 की पावर 6 नीचे था, 10 की पावर -6 चला जाएगा इस ऊपर, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6। गाइज ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 4 3 2 × 10 रेज टू पावर -6। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं गाइज, कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या था नंबर, 0.02 3 4 3 2, यही नंबर था। आप इस पॉइंट को पीछे भी सरका सकते हैं, अगर ये पॉइंट आप यहाँ से ले जाके यहाँ लगाना चाहते हैं तो जितना पीछे लेके जाओगे उतना ही 10 की पावर -1 कर दो, यानी क्या बन गया ये, 0.23432 × 10⁻¹, एक तरीका। एक बंदा बोलता है नहीं 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 सर, मैं तो यहाँ लेके जाना चाहता, मैं तो लेके जाना चाहता हूँ इसको इस पोजीशन पे, मैं तो इस पोजीशन पे लेके जाऊँगा, मैं तो 2 के बाद लगाऊंगा। तो आपने कितने पोजीशन चेंज की, 2, तो क्या बन जाएगा, 2.3432 × कितने पोजीशन चेंज की, 2 पोजीशन, तो 10 की पावर -2। समझ में आती है बात, सिंपल ही है। जैसे कि आपके पास 0.02 है, क्या आपके पास 0.02, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर -2, यानी कि ये आपने पॉइंट यहाँ लगा दिया, 2.0 बना दिया, इसको क्या बना दिया, 2.0 बना दिया, × 10 की पावर -2, 2 डिजिट्स आपने शिफ्ट किया, तो क्या बन गया, 2 × 10 की पावर -2। ये होती है गाइस साइंटिफिक नोटेशंस, इसको एक बार आप लिख लो, ये एग्जाम्पल है, यानी कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक नोटेशंस को करने का, कन्वर्ट दिस इंटू साइंटिफिक नोटेशन। गाइस आपको ऐसा लग रहा होगा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं है, ये बस हमारे चैप्टर का एक पाथ थ्रू है, करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा गाइस, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता आपका,
फटाफट से लिख लो गाइस, फटाफट से। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी अगर पॉइंट हटाओगे, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे वही नीचे 10 के, यानी कि 1 के सामने 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6, तो 1 के सामने 6 0 लगाई, 1 2 3 4 5 6, 1 के सामने 6 0 लगाई। और फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, 1 × 10^6, एक ही बात है। फिर 10^6 अगर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, चला गया गाइस। इसको फ्रीज करना, पॉज करना, लिखना, आगे चलते हैं। ये भी लिखना है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिटल क्रांति है गाइस, डिजिटल क्रांति, इसे मजा याद आता है, चीजें इतनी प्यारी लगती है कि समझ में आती है अच्छे तरीके से, फील करते हैं चीजों को, ठीक है जी। आगे चले जनाब, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई क्या पूछे कि आप 0.234 का साइंटिफिक नोटेशन बताओ, 2 3 4 का साइंटिफिक नोटेशन बताओ, तो आप इसे बहुत तरीके से लिख सकते हो। आप इसे लिख सकते हो 2 3 4 अपॉन, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 3 1 2 3, किसके इक्वल बन गया, 2 3 4 × 10^-3, एक आंसर है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक बच्चा बोलता है कि सर इस 0.234 में मैं तो इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, इसके पास लेके जाना चाहता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, 2.34 × कितने पोजीशन आप गए, केवल एक पोजीशन, 10^-1। एक बच्चा बोलता है नहीं सर इस 0.234 को मैं तो यहाँ लेके जाना, यानी कि पॉइंट को मैं तो यहाँ शिफ्ट 3 और 4 के बीच में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 23.4 × 10^-2, 2 पोजीशन को मूव किया। एक बच्चा बोलता है नहीं सर मैं तो 0.234 को इस 4 के बाद लिखना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा गाइस, 234.0 × 10^-3। और ये तो एक ही बात है, है ना, अगर कंप्लीट में लिखना है तो सीधा ही जीरो लगा दो, और अगर एक एक करके लिखना है, यानी कि पॉइंट को रिप्लेस करना है, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने लिखी ना गाइस, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सेम ही है, ये सब कुछ सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये सब कुछ सेम है, बस अलग अलग तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट किया है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये खुद भी सही था, ये खुद भी सही था, इसमें कुछ नहीं था, कोई भी चेंज नहीं था, कोई भी गड़बड़ नहीं थी। इसको फटाफट से लिखो, आगे चलते हैं, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन को शांत करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पे आते हैं अब।
10 की पावर माइनस वन, ठीक है, 10 की पावर माइनस वन लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, है ना, जो मैं भी करके आया था ना वो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लिखेगा इस आगे चले, आगे चलेगा इस, इसको फ्रीज कर लेना, पोज कर लेना, ये तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं सर अपने मैटर के बारे में। फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक जगह रोका था मैटर को बारे में पढ़ाते हुए, क्या पढ़ाते हुए रोका था गाइस, मैटर को एक जगह मैंने रोका था, मैटर को रोका था जी, मैटर, अच्छा क्या है मैटर, क्या मैटर मतलब है क्या मैटर, एवरीथिंग सराउंड अस इज मैटर भाई, आपका टमी है, आपका हाथ है, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, जो भी कुछ है वो सब एवरीथिंग इज मैटर, एंड मैटर मेड इज अप ऑफ, मैटर किससे मिलके बनता है, तुम्हें बताया था 9th क्लास में, तुम्हें बताया गया था कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स को गाइज डाल्टन ने एटम्स का नाम दिया था, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, नीट में यहां से क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन दीज आर नोन एज एटम, बट एटम सबसे छोटे नहीं होते, फिर उसी 9th क्लास में तुम फर्दर मूव करते थे, और फर्दर मूव करने के बाद तुम्हें पता लगता था कि नहीं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल से, कौन से एटम से छोटे पार्टिकल कौन से है गाइस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी कर ली थी ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर ली थी ना, यानी कि एटम भी इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, एटम में भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्सेस में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका क्या नाम है जी, इसका नाम है जी न्यूट्रॉन, और इसका नाम क्या है जी, प्रोटॉन। अब इसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं और कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है जी माइनस के 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम का, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है माइनस का, ये तुम्हें सब कुछ 9th क्लास में बताया था, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटोन पे भी उतना ही चार्ज रहता है लेकिन जस्ट अपोजिट नेचर का, अगर यहां ये चार्ज माइनस का है तो यहां ये चार्ज कैसा होगा इस प्लस के 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर है जी, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पे चार्ज होता है जीरो, क्या होता है गाइज, उस पे चार्ज होता है जीरो, क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम, न्यूट्रॉन पे जीरो, और प्रोटोन पे प्लस के 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम गाइज, ये था, लेकिन इनसे भी छोटा पार्टिकल होता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर नोन, आज तक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जाना गया है,
इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसका नाम होता है गाइज क्वार्क। क्या नाम होता है उसका गाइज? क्वार्क। ये क्वेश्चन नीट में आया है, क्वार्क यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनसे सबसे छोटा पार्टिकल जो आज तक जाना जा चुका है वो है क्वार्क, QUARC, क्वार्क। राइट गाइज, इसके बाद आगे फर्दर क्लासिफिकेशन को लेके चलते हैं और फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं गाइज कि ये जो मैटर है ये मैटर कितने तरह का हो सकता है। तो मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे ऊपर ऊपर से देख लो, ये बोर्ड सॉलिड है जी, अच्छा, उसके बाद पानी लिक्विड है जी, अच्छा, एयर है गैस है जी, अच्छा, यानी कि या तो आप उसे ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देख लो। इसको गाइस बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल अपीयरेंस। आपने ऐसे ही देख के बता दिया चीज कैसी है, आपको दिख रहा है कि ये दीवार जो होती है वो ठोस होती है, यानी कि मैटर को फर्दर दो तरह के क्लासिफिकेशन में बांटा जा सकता है। कौन कौन से गाइज? एक फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे। किसके बेस पे गाइज? फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे। और क्योंकि अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम चीज को ऊपर से नहीं देखेंगे, हम चीज के अंदर घुसना शुरू कर देंगे और हम क्या करेंगे, उनको खोल खोल के देखना शुरू करेंगे, बता तेरे अंदर क्या है। और एक जो अंदर घुस के आने वाला सिस्टम निकलता है वो मेरे पास आता है केमिकल अपीयरेंस। क्या आती है गाइस? वो केमिकल अपीयरेंस। क्लियर है जी? फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे चीजें फर्दर तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में तुम बहुत अच्छे तरीके जानते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं गाइज H2O का, जानते तो हो गए इसके बारे में। इसका नाम होता है पानी। क्या नाम होता है? पानी, जल, नीर, तोये, वॉटर। राइट, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। क्लियर? ये वॉटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये सॉलिड है, अगर ये क्या है, सॉलिड है, तो ये तुम्हें मिलेगा आइस की फॉर्म में, आइस क्यूब्स, आइसक्रीम। वॉटर से तो बनती है कुछ ना कुछ मिला के, लेकिन बर्फ को वैसे भी जमा सकते हैं। अगर वॉटर है सॉलिड फॉर्म में तो मिलेगा तुम्हें आइस। पानी लिक्विड है तो सिंपल उसको वॉटर लिक्विड बोल सकते हैं, ड्रिंकेबल वॉटर जो होता है। और गैस में कन्वर्ट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसको लिखो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको फटाफट लिखो, यहाँ पे एक एक चीज जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? ये फिजिकल अपीयरेंस तुम्हें पता होनी चाहिए। डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर ने बताया था बहुत बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको एटम बोलते हैं। एटम भी और फर्दर छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। राइट, इनके ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं? इनमें न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। राइट, इसको लिखते हैं, आगे चलते हैं, फटाफट से लिखो। इसको फटाफट से लिखो प्यारे बच्चों।
विजिबिलिटी अच्छी है, दिख पा रहा है तुम्हें अच्छे तरीके से सब चीज़ें। एग्जाम्पल लिया ही हमने, एक ही मैटर की चार तीनों फॉर्म पढ़ ली, उसकी सॉलिड भी, उसकी लिक्विड भी, उसकी गैस भी, आइस, वाटर, वेपर। कोई भी सब्सटेंस डिपेंड करता है कि लिक्विड वाटर यानी कि लिक्विड सॉलिड और गैस में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो हम आगे फर्दर एक एक सब्सटेंस को पकड़ेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। वाटर का हमने हमने एग्जाम्पल लिया है, वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है गाइस, राइट है। पॉज करना, आगे लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी केमिकल अपीयरेंस के बेस पे, और केमिकल अपीयरेंस के बेस पे गाइस ये होता है दो तरह का। दो तरह का होता है गाइस केमिकल अपीयरेंस के बेस पे। एक होता है ये प्योर, कैसा होता है गाइस प्योर, कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। और एक होता है गाइस ये मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। दो तरह कौन कौन सी? प्योर में या तो मेरे पास एलिमेंट होगा, क्या होगा मेरे पास गाइस, या तो एलिमेंट होगा या वो कोई कंपाउंड होगा। क्या होगा? वो कोई कंपाउंड होगा। एलिमेंट जैसे कि, एग्जांपल लेके चलते, एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती। अगर आप एक हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन से दिखेगा, उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन भी कहीं घुसा हुआ बैठा है, नहीं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है तो उस एटॉमिक नंबर वन के अंदर कोई और चीज फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये था हमारा प्योर का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में। कौन सी स्टेट में गाइज? एलिमेंटल स्टेट में। इसी के कंपाउंड की स्टेट की बात कर लेते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि O2, जैसे कि N2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई पानी मेरे घर का हो या पड़ोसी घर का हो या तेरे घर का हो या किसी के भी घर का है, रहेगा तो H2O ही। ये तो नहीं होता कि H2O अपना केमिकल फॉर्मूला बना के ये CH4 बना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि पानी यानी कि कंपाउंड जब अपनी कंपाउंडर स्टेट में आते हैं तो वो हमेशा प्योर ही मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर कोई मिक्सिंग हुई है। अगर पानी कोई बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला उसको H2O ही बोलना पड़ेगा, और केमिकल अपीयरेंस के बेस पे वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। ऑक्सीजन के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि नाइट्रोजन ही मिली बैठी है। अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन ही मिलेगा, अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन मिलेगा, और अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। यानी कि ये अपने प्योर स्टेट में मिलते हैं जी। बात करते हैं मिक्सचर की, किसकी बात करते हैं गाइज? मिक्सचर की। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। मिक्सचर एक होता है जी होमोजीनियस, कैसा होता है जी? एक होमोजीनियस और एक होता है जी हेटरोजीनियस। कैसा होता है जी? एक हेटरोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसका पूरा का पूरा फेज एक जैसा हो, यानी कैसा हो गाइस? सेम फेज में हो। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा किस में हो गाइस, ये सेम फेज में हो। और हेट्रोजीनियस का मतलब ये डिफरेंट फेज में हो। जैसे कि आपको याद होगा यार, आपको आपके घर में कोई मेहमान आता था, ठीक है, और आपको बाजार में भेजते थे सामान लेने के लिए कि मेहमान आया है, जस के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया और इसके लिए लेके आया मिक्सचर, नवरत्न, हल्दीराम का नवरत्न ही आता था। तो आपने वो नवरत्न का पैकेट फाड़ते थे और उसके अंदर सेव भी मिली होती थी, मूंगफली भी मिली होती थी, काजू भी मिला होता था, मीठी नमकीन भी होती थी, कुछ भुजिया भी होती थी, कुछ दालें भी होती थी, कंप्लीट तरह का एक मिक्सचर था। वहाँ मिक्सचर के बारे में आपने पहली बार पढ़ लिया था, लेकिन वो मिक्सचर होमोजीनियस नहीं था, वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस था। सपोज करो कि उसमें कोई काजू पड़े हुए हैं, है ना, आप बाइट उठा रहे हो,
क्या आपको हर बाइट के अंदर काजू मिलेगी? नहीं, ऐसा हो सकता था। अरे जो छीनता है उसकी बात नहीं कर रहा, जो ढूंढ के निकाल के खा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। रैंडम आपने वो जो मिक्सचर था वो अपने हाथ में डाला, वो नवरत्न मिक्सचर, उसका नाम था नवरत्न, नवरत्न के नाम से मार्केट में आता था, उसका मिक्सचर आपने लिया हाथ में डाला, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बाइट के अंदर उसमें डाला हुआ बादाम या आपको हर बाइट के अंदर उसमें डाला हुआ काजू मिले। यानी कि वो हर जगह से एक जैसा नहीं दिखता था, हर जगह से एक जैसा नहीं दिखता था। और अगर बात करें होमोजीनियस की, किसकी बात करें? होमोजीनियस की। तो गाइज हम क्या करते थे, सिकंजी बनाते थे, है ना। और सिकंजी बनाने के लिए हम क्या करते थे, उसके अंदर पानी, फिर उसके अंदर चीनी, फिर उसके अंदर सब कुछ डाल के उसको बढ़िया तरीके से शेक करके सिकंजी बना लेते थे, राइट। ये सिकंजी या तो कोई ऊपर से गिलास भर ले, राइट, या आप इसको भी ऐसे भी रख सकते हैं कि आपने सिकंजी बना ली गिलास के अंदर, ये आपके इसके अंदर सिकंजी भरी हुई है, ठीक है जी, और ये आपने इसके अंदर एक स्ट्रो लगा दिया। क्या लगा दिया गाइस आपने इसके अंदर? एक स्ट्रो लगा दिया ऐसे। अब आप स्ट्रो को बिल्कुल अंदर डाल के पियो, या ऊपर से ऐसे उंगली चाट के पियो, या ऐसे जीभ से चाट लो, एक ही आपको सेम टेस्ट आएगा। यानी कि इस डब्बे के अंदर जब ये सिकंजी भरी हुई थी तो यहां भी सेम फेस था, यहां का भी सेम टेस्ट आया, इस कोने का भी सेम टेस्ट आया, नहीं नहीं मैं तो इस कोने से पीऊंगा, इस कोने का भी सेम टेस्ट आया, नहीं नहीं मैं तो ऊपर के कोने से स्ट्रो को ऊपर से करके पीऊंगा, इसका भी सेम टेस्ट आया। यानी कि टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, टेस्ट ऑफ द मिक्सचर, टेस्ट ऑफ द मिक्सचर इज होमोजीनियस, इज सेम फ्रॉम द ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन ऑफ द थिंग। यानी कि आप इस स्ट्रो से कहीं से भी अपनी सिकंजी को पिए, आपको स्वाद, आपको उसकी मिठास, आपको उसका नमकीन टेस्ट, आपको उसका नींबू का फ्लेवर सब जगह से सेम आने वाला है। यानी कि गाइज ये जो मिक्सचर था ये होमोजीनियस मिक्सचर था। कैसा मिक्सचर था ये? होमोजीनियस मिक्सचर था ये, राइट। लेकिन वही आपके पास जब आप उस नवरत्न नमकीन की बात करते थे, वो नवरत्न जो मिक्सचर था वो हेट्रोजीनियस था, क्योंकि उसमें किसी कोने में छुपी पड़ी रहती थी काजू, हर जगह से काजू नहीं आती थी, हर जगह से आपको मिठास टेस्ट नहीं आता था, कुछ मिक्स आता था, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, राइट। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, इस एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आप सैंड और वाटर को मिलाओ, सैंड प्लस वाटर, किसको गाइज? सैंड प्लस वाटर को अगर आप मिलाओ तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वाटर तो ऊपर ऊपर रह जाएगा, है ना, वाटर तो ऊपर ऊपर रह जाएगा और ये सैंड आपकी नीचे नीचे रह जाएगी, वाटर ऊपर की फेज में रहेगा और ये सैंड नीचे बैठ जाएगी, है ना, सैंड नीचे बैठ जाएगी। यानी कि पानी की दो फेज हो चुकी, एक ये वाटर फेज और एक ये सैंड वाली फेज, एक वाटर फेज गाइज और एक ये सैंड वाली फेज। यानी कि ऊपर ऊपर पानी मिल रहा है और नीचे आ डालूंगा तो मुझे रेत मिल रहा है, यानी कि सैंड मिल रही है। अगर ऊपर डालता हाथ और वहीं से भी सैंड मिल जाती तो मैं बोलता कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट अब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा, अब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहा। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जी, इसका एग्जाम्पल वॉटर प्लस सोल्ट और वॉटर प्लस शुगर, ये कैसा मिक्सचर है गाइज? ये एक तरह का मिक्सचर है होमोजीनियस, यानी कि हर फेज में इसके जो कंपोनेंट्स आपने डिसोल्व किए हैं वो ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन में डिसोल्व है। अब गाइज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, इनकी इन प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी, इनकी प्योर जो हमारे मैटर होते हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, नीट में पूछी हुई है, यहाँ से जेई में बहुत कम आता है, नीट में सबसे ज़्यादा आता है, नीट में पूछी हुई है। नीट में क्या पूछी हुई है कि बताओ डिफरेंस, क्या बताओ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्सचर मैटर,
और डिफरेंस भी किसने प्यारे तरीके से पूछ लिया, बोलता है कि प्योर, अब बताऊंगा, प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर मिक्सचर्स, प्योर मैटर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर आप हाइड्रोजन को पकड़ के ले आए तो आप फर्दर उसमें से हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते, इनको आप फिजिकल मेथड से प्योर नहीं कर सकते। और अगर मिक्सचर की बात करूं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सबसे बड़ा डिफरेंस है एक प्योर और मिक्सचर मैटर के बीच में, सबसे बड़ा डिफरेंस, यानी कि जो भी आपके पास प्योर एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आप वाटर को नहीं तोड़ सकते। आप एक इंजेक्शन में वाटर लो, आप एक बाल्टी में वाटर लो, आप टैंक में लो, आप समुद्र की बात करो, या आप पानी में डूब जाओ, पानी H2O रहेगा। आप इसको ऐसे खींच के अलग नहीं कर सकते, गर्म करके अलग नहीं कर सकते, ठंडा करके अलग नहीं कर सकते। ठंडा होगा तब भी H2O है, नॉर्मल है तब भी H2O है, गर्म किया वेपर बनी तब भी H2O है। यानी कि फिजिकल मेथड से इन प्योर सब्सटेंसेस को, प्योर मैटर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, राइट? लेकिन अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जैसे कि वाटर प्लस सोल्ट, क्या है, वाटर प्लस सोल्ट, तो इनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और इसके लिए जो फिजिकल मेथड को यूज करते हैं वो होता है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है, समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है, वहां के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसका पानी भाप बना के उड़ा देते हैं और नीचे क्या बच जाता है, सोल्ट, वाटर उड़ गया, सोल्ट मिल गया। यानी कि ये जो आपके पास मिक्सचर होमोजेनियस था, ये आपने एक फिजिकल मेथड करके, आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई, आपने केवल जिसको गर्म किया या धूप में खुला छोड़ दिया, वो खुद इवेपोरेट होके चला गया और आपको क्या मिल जाएगा, पानी अलग और सोल्ट अलग। क्लियर है? यानी कि बाय फिजिकल मेथड यू कैन सेपरेट आउट दी होमोजेनियस मिक्सचर्स। अगर बात करें हेटरोजेनियस की, तो ये सैंड प्लस वाटर, राइट? क्या बात करें, सैंड प्लस वाटर, ये छान के भी अलग हो सकता है। आप इसको एक छन्नी से पास आउट कर दो, वाटर नीचे चला जाएगा और सैंड उस आपकी सीव में रह जाएगा, यानी कि सीव में आपको सैंड मिल जाएगा और वाटर आपको आपके रिसीवर में मिल जाएगा। यानी कि केवल फिजिकल मेथड अप्लाई करके आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो। दिस इज द लार्ज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए प्योर एंड मिक्सचर मैटर। इसको लिखो जल्दी जल्दी गाइस, फटाफट से लिखो, समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप तेल भी मिला सकते हो, तेल पानी भी तो अलग अलग रहते हैं, दो अलग अलग फेज में, तेल अलग अलग दिखेगा पानी के ऊपर, पानी अलग रहेगा, तो क्या कर सकते हो, उसको पोर करके, उड़ेल करके तेल अलग और पानी अलग अलग कर सकते हो, फिजिकल मेथड सेपरेट आउट कर सकते हैं। और एक इसको तो सेपरेट करने के लिए सेपरेटरी फनल आती है, ऐसे सेपरेट करो, उसमें लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती है और ऐसे उसको करो, नीचे नीचे आपको लिक्विड मिल जाएगा, पानी आपको अलग मिल जाएगा। बताऊंगा वो आपको। ये आपकी सिकंजी, आजमेदार सिकंजी है ना,
होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सिकंजी, लाइफ में वो चीज़ें पढ़ रखी तुमने, बस कंसाइज नहीं करी कभी, समझ नहीं पाए कभी एक साथ उनको। पढ़ा बहुत कुछ है ज़िंदगी में तुमने, ऐसा मत समझना कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है। इसको फटाफट से लिख लो, मैं ज़रा थोड़ा सा एक बार काम कर लूँ। चलो जी, आगे चले गाइज, फ्रीज करना इसको, आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं गाइज। राइट, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। किसकी बात करते हैं गाइज? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। ये मैटर ही है जिसने परेशान कर रखा लोगों को। क्या मैटर है भाई, बोलते नहीं ऐसा, क्या मैटर है भाई, अरे क्या मतलब है, ये क्या चीज है, क्या क्या भला आगी। राइट, तो मैटर ही होता है सब कुछ, इसने मैटर नहीं पागल कर रखा है। पहली प्रॉपर्टी पढ़ते गाइस इसकी, मास। क्या पढ़ते हैं? मास। मास को आप किन किन यूनिट्स में मीजर करते हो? ग्राम एंड किलोग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। सेकंड थिंग, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने मास को कैसे मीजर करते हो। तो ऐसा ही यूनिट्स में नहीं कि बेसिकली जनरल तरीके से आमतौर पर हम मास को ग्राम और किलोग्राम में मीजर करते हैं, वे आउट करते हैं। दूसरा, आपको पता भी होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और इसकी एक यूनिट और भी होती है मिलीग्राम। क्या गाइज? मिलीग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10^-3 ग्राम और 10^-6 किलोग्राम। ये तीन यूनिट मैंने तुम्हें बताई, इन तीन यूनिट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम को आपस में कैसे बदल सकते हैं। बहुत बड़ी चीजें नापनी है तो किलोग्राम में नापते हैं, राइट, उससे मीडियम रेंज में जब लेके चलते हैं तो ग्राम में लेके चलते हैं, और जब बहुत कम नापना होता तब बात करते हैं मिलीग्राम की। किसकी बात करते हैं गाइज? मिलीग्राम की। जैसे मिलीग्राम होती है हमारी टेबलेट्स में मिली हुई, टेबलेट्स में जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनमें mg, इतने mg की गोली है जी ये, वहाँ एक बात सुनते हो, इतने mg की, यानी कि इतना मिलीग्राम कंपाउंड इसके अंदर मिला हुआ है। पैरासीटामोल 500 mg, यानी कि पैरासीटामोल उस टेबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम है, बाकी उसकी कोटिंग वगैरह की हुई है, उसको फिर किस फॉर्म में आपको देना है वो किया हुआ है, कौन सोल्ट उसके साथ मिलाया गया वो मिला गया, लेकिन पैरासीटामोल की जो पावर है यानी कि पैरासीटामोल की जो क्वांटिटी है उसके अंदर वो 500 mg है, 500 मिलीग्राम है। यानी कि ये तीन यूनिट्स आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। 250 ग्राम सामान दे दो जी, 1 किलो सामान दे दो जी, है ना, 1 किलोग्राम सामान दे दो जी, तो ये तीन चीज़ें आप मैटर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़, ग्राम, किलोग्राम एंड मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10^-3 ग्राम, और 10^-3 ग्राम को फर्दर कैसे लिख सकते हैं? एक ग्राम में, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 1 ग्राम इक्वल्स टू 10^-3 किलोग्राम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो गाइज, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, यानी कि 1 ग्राम में 10^-3 किलोग्राम। तो यहाँ ग्राम में किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया? ग्राम का किलोग्राम बना दिया, और क्या हो गया? 10^-3 × 10^-3। अच्छा, एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये आपके पास 10^-3 है और यहाँ पे भी आपके पास 10^-3 है, तो ये जब इनको एक साथ लिखते हैं तो ये आपस में जुड़ जाती है,
क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10^-6। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं इसका, सपोज करो 10^4 है और 10^5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10^4+5 यानी कि 10^6 गाइज, 10^9 राइट। एक एग्जांपल और लेके चल लेते हैं, अगर आपके पास है 10^-5×10^6 तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10^-5+6=10^1, 6-5=1 ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10^ को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, उनका एडिशन हो जाता है राइट। When 10^ are multiplied, then the powers will be in the form of summation. Sum कर देते हैं उनका, right है? तो मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां समी किया, लिख लूंगा इसको फटाफट। पहली प्रॉपर्टी थी मास, मीजर करते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में, right है? फटाफट से लिखेंगे। फटाफट से लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग सभी। आगे चले, फ्रीज करके लिख सकते हो ना, पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, आगे चलते हैं गाइस। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड प्रॉपर्टी की, नाम दिया उसका वॉल्यूम, रिप्रेजेंट करते हैं वी से जी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। मेजर किस किस में कर सकते हैं, एमएल, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इस तरीके से ये इनकी आपस में क्या है गाइस, यूनिट्स है जिनमें हम इनको मीजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको मीजर कर सकते हैं, वापस से लिख देते हैं जी, ml, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इसको क्या बोलते हैं गाइस, डेसीमीटर क्यूब, क्यूब ऊपर लगा हुआ है, डेसीमीटर बोलते हैं ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। क्या रिलेशन होता है जी इनका आपस में, इंटरचेंज करना बहुत जरूरी है, ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि आगे जब आप कोई वॉल्यूम या प्रेशर या कुछ भी आप नापोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई उसमें यूनिट्स को किस तरीके से चेंज करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन क्या है, तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंटर कन्वर्जन ही है। तो गाइज 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml, पहली चीज, यानी कि 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml। उसके बाद 1 ml इक्वल्स टू 1 cm³, आप ml कह लो या आप सेंटीमीटर क्यूब में कह लो, बात एक ही है, यानी कि ml और सेंटीमीटर क्यूब तो एक ही चीज है जी, ml और सेंटीमीटर क्यूब तो एक ही चीज है जी, ये तो केवल सिंपल सी एक ही बात है, बात क्लियर है जी। उसके बाद 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm³, आप लीटर की बात कर लो या आप डेसीमीटर क्यूब की बात कर लो, यानी कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब भी एक ही बात है जी, क्या बात है जी, एक ही बात है जी, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है जी। उसके बाद मीटर क्यूब रह गया जी आपका, तो आपको पता है जी, क्या पता है जी आपको, आपको पता है जी कि आपके पास ml में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 cm, क्लियर है। अगर 1 मीटर में 100 cm है तो
1 मीटर इंटू 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि अगर 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो मैं अगर इनकी 3 बार मल्टीप्लाई करूं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। लो जी, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में भी रिलेशन निकाल दिया। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फटाफट लिखो जी। जल्दी लिखो। यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^6 ml। सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? ml के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^6 इंटू ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर में 1000 ml, और इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में 1000 ml या 1 ml में 10^-3 liter, एक ही बात है। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, 1000 ml इक्वल्स टू 1 liter। तो 1 ml क्या हो जाएगा, 1/1000 liter। इसको क्या लिख सकते हैं, 10^-3 liter। ऊपर चली जाएगी सारी की सारी जीरो, यानी कि जो भी नीचे एक के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं, रुको, इसको क्या लिख सकते हैं, 10^3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 10^3 को साइंटिफिक नोटेशन में ऊपर चला जाएगा, 10^-3 नहीं हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इस ml को फर्दर किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, और लीटर में कितना हो जाएगा, 1 ml इक्वल्स टू 10^-3 liter। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^6 इंटू 10^-3, 10^6-3 liter, एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^3 liter। ये रिलेशन लिखो, और एक लिखो ये। इस ml का लीटर में कन्वर्जन, ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया है, लिखो गाइस फटाफट। सब कुछ करवा दिया, एक चीज और रहती है, लाओ जी एक चीज और भी करवा दूं। चलो यही करूं कि आगे करवाऊं, डेसीमीटर क्यूब को ही पकड़ लेते हैं। यहां से आगे चलते हैं। वन लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^3 liter, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^3 लीटर हो या डेसीमीटर क्यूब हो, एक ही तो बात है, 10^3
लीटर डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है, यहाँ मैं डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10^3 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। तो गाइज मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। हाईलाइट किस तरह से करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो थी जहाँ से रिलेशन निकलना शुरू हुआ, एक तो था गाइज ये कि अगर आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर पता तो आप कर लोगे, दूसरा है गाइज ये कि 1 मीटर इतने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, इसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लिख लो, इसको छाप लो कॉपी पे फटाफट, सारे वॉल्यूम के रिलेशन करवा दिए, इसके बाद दुनिया जाने में कोई वॉल्यूम नहीं बचता। इसके अलावा अगर कोई वॉल्यूम बचता तो बस मुझे आगे बता देना कि सर आपने ये नहीं कराया, सारे के सारे वॉल्यूम का इंटरचेंज करा दे। सब कुछ समझ के करना है, ये तक भी समझ के करना है कि 1 लीटर = 1000 ml है, 1000 ml को 10^3 ml भी लिख सकते हो, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन तुम लोगों ने सीख लिया, फटाफट से इसको लिखो गाइस। इसको फटाफट से लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने अब तक दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। आज का थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ। आज मैंने तुम्हें साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में थोड़ा सिखाया, लोग के प्रीवियस रोल्स को वापस से लिखा, साइंटिफिक नोटेशंस को और फर्दर एक्सपेंड किया। अगर 0.00 something लिखा है, 0.20 something लिखा है, उसको कैसे चेंज करना है वो आपको प्रीवियस स्लाइड में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको मैटर किस तरीके से क्लासिफाइड है वो बताया। सबसे छोटा पार्टिकल जो आज जानने वाली बात थी वो थी कि आज सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है क्वार्क, तो क्वार्क के बारे में भी आप जानते हो गाइज। उसके बाद आपने देखा कि मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल अपीयरेंस के बेस पे, प्योर और मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर ली थी, H2O सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, और केमिकल अपीयरेंस के बेस पे ही बात कर ली थी कि गाइस प्योर होते हैं और मिक्सचर होते हैं। प्योर दो तरह के होते हैं, तो एलिमेंटल स्टेट मिलेगा, कंपाउंड स्टेट मिलेगा, और मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, तो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सेम फेज फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोपोर्शन, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज में हमने लोगों ने पढ़ा मास, राइट। मास को स्मॉल एम या कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 3 यूनिट से मेजर करते हैं, ग्राम, किलोग्राम एंड मिलीग्राम। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दीज आर द यूनिट्स हाउ टू यू कैन, मतलब कैसे आप उनको मेजर कर सकते हैं और क्या उनके आपस में इंटर कन्वर्जन है। प्यारे बच्चों, जो चीज ये जिसको आता है ना वो मतलब कहीं भी मुक्का मार के पानी निकाल सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये रीड है, जैसे मेरे शरीर पर टिका है ना, ऐसी रीड है ये, यहाँ नहीं फिजिक्स में भी हेल्प करने वाली है, और केमिस्ट्री में मरते हैं लोग, क्योंकि जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना वो लोग मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं देते, उन पे चीजें होती ही नहीं, वो पागल हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहे। लेकिन छोटी सी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे, उनको इसी तरीके से एक्सपेंड करके, जितना मुझसे हो सकेगा उतना एक्सपेंड करके आगे चलूंगा गाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, राइट। इसको लिख ले।